अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, सबसे पहले फर्स्ट डे में हमने स्टार्ट किया था एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल। सो एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल में हमने जो कंट्रीब्यूशन कंसिडर की थी, दैट वाज ओनली फॉर द लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन। सो हमने मान लीजिए हमारे पास कोई न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है सपोज करिए 13, तो सपोज करिए 12 तक उसके सारे के सारे जो न्यूक्लियॉन थे वो सारे के सारे पेयर्ड होंगे, और जो लास्ट 13th न्यूक्लियॉन होगा वो ही हमारा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा इन द केस ऑफ एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल। तो एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम बात करेंगे सिंगल पार्टिकल मॉडल के बारे में। तो सिंगल पार्टिकल मॉडल में हमारे पास क्या आएगा कि जो लास्ट वैलेंस शेल है उसको हम कंसिडर करेंगे रादर देन दी लास्ट न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट आ जाएगा, सपोज करिए G9 हाफ ऑर्बिटल है आपके पास या D5 हाफ ऑर्बिटल है, उस केस में अगर हम बात करें तो वहां पे आपके पास D5 हाफ में आपके पास 6 न्यूक्लियन आ सकते हैं, और G9 हाफ केस में आपके पास कितने न्यूक्लियन आ सकते हैं, 10 न्यूक्लियन आ सकते हैं। तो 10 न्यूक्लियन की कंट्रीब्यूशन क्या रहेगी उसके विद रिस्पेक्ट टू आपका जो सेल स्ट्रक्चर डिसाइड होगी या एनर्जी लेवल डिसाइड होंगे रादर देन सिंगल वैलेंस न्यूक्लियन। तो पहले एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल में ओनली सिंगल न्यूक्लियन कंट्रीब्यूट करता था, अब यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियन की बजाय हम वैलेंस शेल क्यों कंसिडर करेंगे, कौन सा ऑर्बिटल है जो लास्ट वैलेंस स्टेट को ऑक्यूपाई कर रहा है। सपोज करिए लास्ट न्यूक्लियन अगर आपका F7 हाफ में लाई कर रहा है तो उसके इसमें F7 हाफ में कितने न्यूक्लियन है और आपस में वो उसकी रेजिडुअल इंट्रैक्शन कैसी है, उसके केस पे हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल कंसिडर किया था उसमें रेजिडुअल इंट्रैक्शन का फंडा नहीं अप्लाई किया हुआ था, इसकी वजह से हमारे पास जो लेवल्स थे उसमें जो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कैपिटल जे था दैट वाज सपोज्ड टू बी ए गुड क्वांटम नंबर, इस केस में हमारे पास रेजिडुअल इंट्रैक्शन भी रहेगी और G9 हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग या F7 के हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसके ऑर्बिटल बनेंगे, मतलब उसके जो थर्ड कंपोनेंट बनेगा, मतलब जो अगर कैपिटल जे इज इक्वल टू 7 हाफ है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एम क्वांटम नंबर वो -7 हाफ से लेके +7 हाफ तक जाएगा, उसमें से कोई भी वैल्यू हम चूज कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी कंट्रीब्यूशन जो है कौन सी होगी या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेवल होंगे वो डिफाइन हो जाएंगे, और आपकी जो डिजनरेसी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू जे इज इक्वल टू 7 हाफ वो सारी की सारी लिफ्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आपके एनर्जी लेवल जो आपके पास J = 7.5 पे सारे के सारे न्यूक्लियन बैठे हुए थे, यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, आपके जो लेवल होंगे J = -7.5, -5.5, -3.5 वो सारे के सारे थोड़ी थोड़ी स्प्लिटिंग दे देंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो रिजल्टेंट होगा वो आपके पास एग्जिस्ट करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेजिडुअल इंट्रैक्शन और लिफ्टिंग ऑफ द डीजनरेसी। तो ये इसका बेसिक फंडा है या इसकी बेसिक आर्किटेक्चर और यू कैन से बेसिक फिजिक्स है। So single particle model, shell structure of the nuclei discussed so far in which the properties of the any nucleus is determined from the single unpaired nucleon moving in the common field of the remaining nucleon is known as extreme single particle model। तो इस चीज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल का मॉडल का क्या कंसेप्ट है। सो इन सच configurations, any odd a nuclei consist of an even core। तो इस केस में एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल में क्या बताया गया है कि अगर आपके पास ऑड न्यूक्लियस है उसमें क्या रहेगा, एक even कोर रहेगी जिसमें सारे न्यूक्लियन पेयर्ड रहेंगे, which will couple towards total core angular momentum it is equal to zero, and जो लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन होगा unpaired angular momentum of the outer nucleon, जो unpaired nucleon है, is governed by the common nuclear potential modified by the spin orbit coupling potential। मतलब क्या हुआ कि जो last unwell जो last valence nucleon है उसका जो उसके ऊपर कितनी potential लगता है या spin orbit potential उसी पे apply होके हम उसके corresponding energy level define करते थे, इसीलिए हम बोलते थे कि हमारे पास total angular momentum quantum number जो है it is a good quantum number because valence nucleon है। अगर G9.5 में बैठा है तो टोटल एंगल मोमेंटम कितना हो गया G9.5, अगर F7.5 में बैठा है तो J = 7.5 हो गया। सो वी कैन डिफाइन दी टोटल एंगल मोमेंटम वैल्यूज विद विद सर्टेनिटी, इसीलिए हम उसको गुड क्वांटम नंबर बोलते हैं, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारे के सारे की जो कंट्रीब्यूशन आएगी जो एनर्जी लेवल होंगे F7.5 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स थर्ड कॉम्पोनेंट M, उसके रिगार्डिंग सारे के सारे रिजल्ट जो होंगे एनर्जी लेवल्स होंगे वो डी जनरेट रहेंगे। फर्दर रिफाइनमेंट ऑफ द एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल इज नोन एज द सिंगल पार्टिकल मॉडल। तो एक्सट्रीम वाला वर्ड हटा दीजिए तो यहाँ पे सिंगल पार्टिकल मॉडल बचेगा।
In a single particle model configuration, a nucleus consisting of the filled shells with neutrons and the protons allowed by polyexclusion principle and unfilled shells containing k loose particles. इस केस में सिंगल पार्टिकल मॉडल में हमारे पास जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली नहीं बताई गई है. इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की फिलिंग साइमल्टेनियस लिखी गई है. एंड बिकॉज यहाँ पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन की फिलिंग साइमल्टेनियस है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर आपके पास दोनों को क्लब कर दिया जाए तो मास नंबर बनता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1s4 लिखा जाएगा रादर देन 1s2. ठीक है जी, 1s1/1/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1s1/2 में दो पार्टिकल आ सकते हैं, तो दो प्रोटोन होंगे एंड दो न्यूट्रॉन होंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 आएंगे. तो यहाँ पे चेक कर लीजिए 2 लिखा हुआ है, 2 इज फॉर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स. तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की फिलिंग यहाँ पे साइमल्टेनियस होगी, तो 2 का फैक्टर इसलिए आ गया. ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि सारे का सारा पार्ट कोर का होगा एंड उसके बाद ये फिल्ड शेल के बाद अनफिल्ड शेल जो है एन एल एंड जे के कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे आपके पास अनफिल्ड शेल के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर के क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस न्यूक्लियॉन के रिगार्डिंग ये आपके पास वैलेंस न्यूक्लियॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कंट्रीब्यूशन आई जाएगी. So, where K can be the proton or neutron, this model does not distinguish between protons and neutrons. So, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ऐसे नहीं है. प्रोटोन और न्यूट्रॉन की जो फिलिंग है वो साइमल्टेनियस की हुई है. रॉय एंड निगम की बुक उठा के देख लीजिए, सारा का सारा पोर्शन वही से है. If there are k loose particles, मान लीजिए आपके पास k particles as such valence shell में पड़े हुए हैं जो loose हैं, मतलब last valence shell में lie कर रहे हैं, then the given outermost subshell, so n, l and j इसके quantum numbers रहेंगे which are having definite values. इसके regarding भी lecture बन सकता है. अब मेरे previous YouTube पे जो lecture पड़े हुए बेटा उसके regarding भी देख लीजिए, जो मैंने Roy and Nigam से cover किया है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा n, l and j ही क्यों लिया हमने. तो वहां से आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके लिए रॉयल निगम की बुक उठानी पड़ेगी साथ में. सो देन डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स दैट कैन बी फाउंड बाय देम आर डीजनरेट इन द एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल व्हिच इग्नोर द रेसिडुअल इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. व्हेन वी कंसीडर रेसिडुअल इंटरेक्शन between the nucleus or k loose particles, then degeneracy is removed and levels differ slightly in energy. तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपके पास एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल है तो लास्ट वैलेंस न्यूक्लियॉन मैटर करता है. अगर पार्टिकल आपका g9½ ऑर्बिटल में बैठा हुआ है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम g9½ हो गया, तो आपके पास एक पार्टिकुलर एनर्जी लेवल आ गया. लेकिन यहाँ पे अगर आप पार्टिकल की बजाय आप शेल को कंसिडर कर रहे हैं, उसमें 5 पार्टिकल बैठे हुए, तो 5 पार्टिकल आपस में इंट्रैक्शन भी करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस के थ्रू. उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो डीजनरेसी है j=9½ वाली वो लिफ्ट हो जाएगी एंड उसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो उसको हाइपर फाइन स्प्लिटिंग दे देगा, एंड जिसकी वजह से 9½ से लेके -9½ तक वो कोई भी वैल्यू चूज कर सकता है. ठीक है, विद अ डिफरेंस ऑफ 1. तो इट मे बी इन दी 7½ स्टेट, इट मे बी जी 9½ के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका थर्ड कंपोनेंट 9½ हो सकता है या 7½ में बैठ सकता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम 5½ में बैठ सकता है, 3½ 1½ एंड सो ऑन अप टू समथिंग लाइक दैट, -9½ से लेके +9½ तक वो कोई भी वैल्यू इनमें से चूज कर सकता है. ठीक है जी, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास रेसिडुअल इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग डीजनरेसी लिफ्ट हो जाएगी एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल रहेंगे वो स्लाइटली थोड़े थोड़े डिस्प्लेस दिखेंगे, रादर देन आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जे एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पे. तो जस्ट लाइक हाइपर फाइन स्प्लिटिंग इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे ही हमारे पास क्या होगी, स्प्लिटिंग एग्जिस्ट करेगी एंड लिफ्टिंग ऑफ डीजनरेसी रहेगा. So this is because it is usually assumed that residual interaction is weak compared to the spin orbit force. So पहले हमने क्यों माना था कि spin orbit force ज़्यादा prevalent रहेगी? Because normally ऐसा होता है कि residual interaction जो है वो comparatively weak रहती है. So that J is still a good quantum number. That is levels are still characterized by a definite value of J. However, if we consider the strong residual interaction between loose particles, then particle states can be regarded as superposition of the different states with energy to one close to one another, so that degeneracy is removed. So depending on the requirement कि हमारे पास residual interaction जो है वो strong है तो या weak है, उसके basis पे हम decide कर सकते हैं कि हमने extreme single particle model implement करना है या फिर हमने
कौन सा मॉडल सिंगल पार्टिकल मॉडल को हमने इम्प्लीमेंट करना है. सो डिपेंडिंग ऑन दी रेसिडुअल इंटरेक्शन, मतलब पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बेस पे डिसाइड होगा कि स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी. जस्ट लाइक हमारे पास जीमेन इफेक्ट होता है, उसमें आपके पास लेवल स्प्लिटिंग आ जाती है, यहाँ पे भी ऐसा ही है. वीक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आपके पास रेसिडुअल इंटरेक्शन वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उसके रिगार्डिंग आपके पास फंडे आएंगे या स्प्लिटिंग एग्जिस्ट करेगी और यू कैन से डीजनरेसी लिफ्ट होगी. सो दिस रिमूवल ऑफ डीजनरेसी डीजनरेट स्टेट्स इज आल्सो नोन एज कॉन्फ़िगरेशन मिक्सिंग. सो कॉन्फ़िगरेशन मिक्सिंग का मतलब क्या हो गया, मैं पहले बता देता हूँ. जैसे हमारे पास पहले क्या था, एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल में एक एंगल मोमेंटम पर्टिकुलर स्टेट डिफाइन थी, जैसे j = 9/2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग j = 7/2 रहे थे, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, सारे के सारे एनर्जी स्टेट्स जो थी एक ही लेवल में मिक्सअप हो गई थी. अगर उसको स्प्लिटिंग कर देंगे तो सारे के सारे बिखर के बाहर आ जाएंगे, निकल आएंगे. लेकिन अगर आप उस सेम स्टेट में बैठे हुए हैं तो वो सारी स्टेट की एक सेम सुपर इम्पोज्ड जो स्टेट बनी हुई है उसको हम मिक्सड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेट बोलते हैं. सो जो हमारे पास एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल है वो मिक्सड स्टेट से बना हुआ है रादर देन सिंगल पार्टिकल स्टेट्स. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको हम कॉन्फ़िगरेशनल मिक्सिंग बोलते हैं. मतलब अगर कोई डीजनरेट स्टेट रहेगी उसमें कॉन्फ़िगरेशन मिक्स रहेगी. सपोज करिए हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम ऑफ, अगर हम हाइड्रोजन कंसिडर करते हैं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कंसिडर करोगे तो 2s एंड 2p की एनर्जी सेम आती है. लेकिन अगर हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कर देंगे तो 2s की एनर्जी लोअर हो जाएगी, 2p की एनर्जी अलग हो जाएगी, हायर निकल जाएगी. तो लेकिन इससे क्या पता चलता है, अगर डीजनरेसी एग्जिस्ट करती है तो 2s और 2p की जो एनर्जी है वो सेम है, लेकिन बोथ आर डिफरेंट स्टेट्स. तो 2s एंड 2p मिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं. अगर हाइपरफाइन स्प्लिटिंग लगाओगे तो दोनों का डिफरेंस आपको दिख जाएगा. तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल मिक्सिंग. सो न्यूक्लियर वेव फंक्शन कैसे आएगा बेटा? सो न्यूक्लियर वेव फंक्शन फॉर लूज पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ दिस स्लॉटर डिटरमिनेंट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा. स्लॉटर डिटरमिनेंट के रिगार्डिंग आपको थ्योरेटिकल आर्टिकल आ जाता है, जो आपके पास स्टेटेड प्रूफ जो सिंगल पार्टिकल मॉडल है उसके रिगार्डिंग आपको पास डिस्कशन के रिगार्डिंग या आर्टिकल वर्क आता है, या थ्योरम नहीं आती है सच, ये आपके पास डिस्कशन के लिए आता है, बिकॉज इसके पास रिगार्डिंग आप बहुत सारे डिस्कशन कर सकते हैं. So nuclear wave function for k loose particle is written in terms of Slater determinant. So k loose particle दे रखे हैं बेटा, R1 corresponding to R is up to RK. तो k आपके पास लूज पार्टिकल है एंड न्यू यहाँ पे आपके पास क्वांटम नंबर रहेंगे. कितने क्वांटम नंबर इसके कंपैरेटिवली आप डिफाइन कर सकते हैं, n, l एंड j के कॉरेस्पॉन्डिंग. सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं. तो वेव फंक्शन आपका स्लॉटर डिटर्मिनेंट से डिसाइड होगा. अगर वेव फंक्शन डिफाइन हो गया तो उसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं बेटा, उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड वहां से आप एनर्जी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं. टोटल स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय द अज्यूमिंग दैट जे ऑफ द इंडिविजुअल न्यूक्लियन इज ए गुड क्वांटम नंबर. जो यहाँ पे इंडिविजुअल क्वांटम न्यूक्लियन है उसको हम गुड क्वांटम नंबर मानते हैं, बिकॉज हले हर एक न्यूक्लियन के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, वेदर इट इज 7/2, वेदर इट इज 5/2. लेकिन टोटल स्टेट के लिए हम क्या करेंगे, जे इज इक्वल टू जे पी प्लस जे एन बनाएंगे, बिकॉज इनके सबके लिए टोटल स्पिन ऑफ द लूज प्रोटोन्स विल बी गिवन अप टू जे पी, एंड फॉर द केस ऑफ न्यूट्रॉन्स इट विल बी गिवन अप टू जे ऑफ एन, और यू कैन सिंपली क्लब देम टू राइट द टोटल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं कि आप अगर इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड है तो सबके लिए आप क्लब करके आप उसको टोटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट को जनरेट कर सकते हैं. तो सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ नहीं है. ये थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा हुआ है, लेकिन बेटा ये अपने एसएच रिमेंबर रखना है. अगर आपने इसको देखना है तो इसमें प्रूव किया गया है कि आपके पास स्लॉटर डिटरमिनेंट जो होता है वो एंटीसिमेट्रिक होता है. तो उसके रिगार्डिंग आप एम स्कीम से रिलेटेड थोड़ा सा पोर्शन कवर किया हुआ है, अगर आप बुक से पढ़ लीजिएगा, नोट से दे रखे हैं बेटा, नोट्स में भी दे रखा है, रॉयड निगम की बुक में भी दे रखा है, इसको एक बार देख लीजिएगा. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ओनली थ्योरेटिकल पोर्शन है, फिजिक्स इसमें नहीं है एसएच. अगर हम इसमें कवर करेंगे, फिजिक्स इसमें इतनी है कि हमारे पास जो स्लॉटर डिटरमिनेंट है वो यहाँ पे एंटीसिमेट्रिक पोर्शन को कवर अप करता है. सो यू कैन सिंपली रीराइट दिस स्टेप. अगर आपके पास क्या है, साई ऑफ जे एम है, आर वन आर टू है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप आर टू को आर वन में इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -1^2j - J का कंसेप्ट आएगा. तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा आपके पास कि आपका जो वेव फंक्शन है वो दैट इज एंटीसिमेट्रिक. सो ठीक है, तो j is half odd integer, therefore 2j becomes odd integer,
हैज द वेव फंक्शन डिफाइंड इज एंटीसिमेट्रिक, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने वहां पे कवर कर रखा है बेटा, जहाँ पे सिंगल पार्टिकल मॉडल है। मेरा यूट्यूब वाला लेक्चर देखिए रॉयड निगम की बुक से, वहां से आपको अच्छा समझ आएगा एज कम्पेयर टू दिस वन। वहां पे मैंने एम स्कीम भी डिस्कस कर रखी है, वहां पे मैंने एक दो आपके पास न्यूमेरिकल वगैरह भी सॉल्व कर रखे हैं, और उसके रिगार्डिंग आपके पास जो रॉयड निगम की बुक पे मैंने शो कर रखा है कि अगर आपके पास दो पार्टिकल है तो उनके लिए टोटल एंगल मोमेंटम 0 to 4 आएगा, यहाँ पे वहां पे 1, 3 and 5 नहीं आएगा, तो ऑड नंबर जो होते हैं वो स्किप हो जाते हैं अल्टीमेटली वहां पे बाय रूट, तो J=0 to 4 आएगा। वो क्यों आएगा तो वहां पे आप देख सकते हैं बेटा। इन लाइट न्यूक्लियर, तो इसके बाद हम बात करेंगे लाइट न्यूक्लियस के केस में कूलम फील्ड का क्या कंसेप्ट रहेगा। तो लाइट न्यूक्लियर ये भी रॉयड निगम से लिया गया बेटा, ये सारे का सारा आर्टिकल ही रॉयड निगम का है। सो लाइट न्यूक्लियर के केस में क्या क्या रहेगा, ए इज फार लेस देन 50, सॉरी लाइट न्यूक्लियर के केस में क्या रहेगा, जहां पे आपका मास नंबर लेस देन 50 है उस केस में क्या रहेगा कि आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटोन्स रहेंगे वो कम रहेंगे। अगर लाइट न्यूक्लियर मतलब आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 या 15 है, उससे ज्यादा नहीं है, उसके इसमें क्या रहेंगे आपके पास कूलम फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, बिकॉज प्रोटॉन एक दूसरे प्रोटॉन से दूर रहेगा, बिकॉज कूलमिंग फोर्स जो होती है 1/r² के साथ डिपेंड करती है। इसकी वजह से क्या रहेगा, प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से दूर रहेगा, उसकी वजह से कूलम रिपल्शन कम रहेगी, और उसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल रहेगा, सो दैट अगर आप नेक्स्ट प्रोटॉन भी एंटर करते हैं तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका मास नंबर है वो इट इज लेस देन 50। सो द कूलम फील्ड इज नेग्लिजिबल और यू कैन इट इज वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर द शेल बिगिंस टू फिल अप विद न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर, मतलब जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की फिलिंग होगी वो बराबर चलेगी, बिकॉज कूलम अप टू कूलमिक रिपल्शन जब तक स्ट्रांग नहीं हो जाती, जब तक कूलम इंटरेक्शन स्ट्रांग नहीं है तब तक न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की फिलिंग आप ऐसे कर सकते हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, न्यूक्लियस अनस्टेबल नहीं रहेगा। A light nuclei can be considered as consisting of a few closed shells together with K valence nucleons in the unfilled shell. Situation changes for the heavier nucleus. जैसे यूरेनियम है, अगर आपके पास यूरेनियम आ गया तो वहां पे क्या रहेगा, यूरेनियम 235 में क्या रहेगा बेटा, आपके पास 92 प्रोटॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 92 है, उसके पास में आपके 235 माइनस 92 आप करके देख लीजिए, मोर देन 130 न्यूक्लियर होंगे आपके पास, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। सो अगर आपके पास प्रोटॉन है तो वो 90 के राउंड है, अगर न्यूट्रॉन है तो वो आपके 130 के राउंड है, ऑलमोस्ट 40-50 का फैक्टर बढ़ जाता है बेटा। तो वो क्यों है, बिकॉज आपके पास जो कूलम रिपल्शन है उसकी वजह से जो प्रोटोन है उसकी फिलिंग कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन। तो जो बल्कि न्यूक्लियस होगा या हैवी न्यूक्लियस होगा उसमें आपके पास ज्यादा न्यूट्रॉन्स रहेंगे एज कम्पेयर टू प्रोटोन्स, मतलब प्रोटोन की फिलिंग आपके पास लेट होगी एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन्स। तो मैंने स्टार्टिंग में एक लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो प्रोटोन की फिलिंग होती है, प्रोटोन के शेल होते हैं वो हायर लाई करते हैं, बिकॉज जो प्रोटोन की डेप्थ होगी, प्रोटोन के कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डेप्थ होगी वो कम रहेगी एज कम्पेयर टू फॉर द केस ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की जो पोटेंशियल डेप्थ है अगर 41 MeV के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की डेप्थ है वो आपके पास 35 या 33 के आसपास रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जो प्रोटॉन की फिलिंग है वो लेट स्टार्ट होगी एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन्स, उसकी वजह से न्यूट्रॉन की जो फिलिंग है जो स्टेट होगी, सपोज करिए अगर न्यूट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल है जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग G9½ पहुंच गया, लेकिन आपके पास जो प्रोटोन है वो अभी तक F7½ में बैठा रहेगा, ठीक है जी। तो इसके रिगार्डिंग आप चेक कर सकते हैं, तो ज्यादा डिटेल नहीं है, एस सी वर्मा ने काफी सारा लेक्चर कवर कर रखा है, उस वहां पे भी आप देख सकते हैं, या मेरे यूट्यूब लेक्चर में भी ये डिस्कस प्रॉपरली किया गया है, लेकिन आपके लिए इतना सफिशियंट है कि आप यहाँ पे प्रोटोन की फिलिंग करेंगे तो प्रोटोन जब तक रिपल्शन इसमें एक्टिवेट नहीं रहेगी, मतलब हाँ जी अगर आपके पास जो कूलम रिपल्शन है बेटा, अगर कूलम रिपल्शन आपके पास नहीं आएगी ज्यादा, एक मिनट, हाँ जी, अगर आपके पास कूलम रिपल्शन नहीं रहेगी या कम होगी तो उस केस में आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की फिलिंग सेम फुटिंग पे रहेगी, अगर आपके पास कूलम रिपल्शन डोमिनेट कर गई तो प्रोटॉन कम फिल होंगे एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन्स। देयरफॉर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन लाइट न्यूक्लियाई व्हेन ए पर्टिकुलर शेल इज फिल्ड अप बाय बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर द कंसेप्ट ऑफ आइसोटोपिक स्पिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मैं पहले बता दूं,
जब तक आपकी जो फिलिंग है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की साइमल्टेनियस चलेगी, मतलब दोनों की फिलिंग बराबर बराबर रहेगी, जितने अगर 5 न्यूट्रॉन आए हैं तो 5 ही प्रोटॉन आए हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप आइसोटोपिक स्पिन का कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर हैवी न्यूक्लियस है उसके केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे ज्यादा फिल हो गए, एनर्जी लेवल तो उतना ही है, तो प्रोटोन आपका G7½ में हो सकता है, G9½ में हो सकता है, सॉरी न्यूट्रॉन आपका G7½ में हो सकता है, लेकिन हो सकता है जो प्रोटॉन है अभी डी ऑर्बिटल में बैठा हो या फिर आपके पास जो पी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो इनके लिए फिलिंग जो है वो अलग से हो जाएगी अगर हैवी न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मलिज्म ईच न्यूक्लियन पोजेसिस एन आइसोटोपिक स्पिन, आइसोटोपिक स्पिन इट इज ओनली मेंट फॉर द केस ऑफ न्यूक्लियाई विच आर लाइटर। सो लाइटर न्यूक्लियाई के केस में आइसोटोपिक स्पिन का कंसेप्ट आएगा, मतलब हम न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की फिलिंग पैरेलल हो रही है तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की बजाय हम दोनों को न्यूक्लियन बोल सकते हैं, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम उनको आइसोटोपिक स्पिन डिफाइन कर सकते हैं जैसे हम पार्टिकल फिजिक्स में करते आए हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइसोटोपिक स्पिन होगी। तो टोटल न्यूक्लियस की आइसोटोपिक स्पिन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सबकी आइसोटोपिक स्पिन आप लिख सकते हैं इंडिविजुअली एंड सबको सम अप करके टोटल न्यूक्लियस की आइसोटोपिक स्पिन डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रोटॉन के लिए आइसोटोपिक स्पिन कितनी होगी बेटा 1/2, न्यूट्रॉन के लिए भी कितनी हो गई 1/2, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग देम ऑन द सेम फुटिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 का कंसेप्ट। अगर उसका थर्ड कंपोनेंट निकालेंगे तो आपके पास पता होगा, आपने पर्किंस पढ़ी हुई है पार्टिकल फिजिक्स में, तो वहां पे क्या रहेगा, जो आपके पास प्रोटॉन है उसका थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन का I3 इट इज इक्वल टू 1/2, न्यूट्रॉन के केस में क्या रहेगा इट इज इक्वल टू -1/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कंपोनेंट यहां पे आ जाएगा। तो हेंस टोटल आइसोटोपिक स्पिन इज ए गुड क्वांटम नंबर लाइक द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द कॉन्फिगरेशन NL एंड J रेस्ट पावर के कॉन्फिगरेशन स्टेट। तो आपके पास एक अनदर क्वांटम नंबर आ जाता है जो कि टोटल आइसोटोपिक स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, विच इज ए गुड क्वांटम नंबर। इट इज ओनली ए गुड क्वांटम नंबर फॉर द केस ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई। अगर हैवियर न्यूक्लियर के केस में कंसिडर करेंगे तो ये आइसोटोपिक स्पिन क्वांटम नंबर गुड क्वांटम नंबर नहीं रहेगा। सो इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारी चीजें होती है बेटा, अदर देन दिस टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड आइसोटोपिक स्पिन के अलावा भी हमारे पास एक अनदर क्वांटम नंबर होता है, दैट इज सीनियोरिटी क्वांटम नंबर। तो आइसोटोपिक का कांसेप्ट आपको दो नंबर में पेपर में आएगा बेटा, एक्सप्लेन आइसोटोपिक स्पिन, तो उसको उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास अगर लाइटर न्यूक्लियाई है तो आइसोटोपिक स्पिन एग्जिस्ट करेगी, गुड क्वांटम नंबर रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो ये दो नंबर का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सीनियोरिटी क्वांटम नंबर आ जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सीनियोरिटी क्वांटम नंबर, तो ऐसा आपको आ जाएगा, उसमें तीन नंबर का आर्टिकल हो जाता है। सो सीनियोरिटी क्वांटम नंबर के केस में हमारे पास क्या रहेगा एंड उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक और क्वांटम नंबर है, दैट इज रिड्यूस्ड आइसोटोपिक स्पिन, दैट इज स्मॉल टी, नीड टू डिफाइन द न्यूक्लियर स्टेट। सो अदर देन जे एंड टी हमारे पास दो और क्वांटम नंबर होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। सो सीनियोरिटी क्वांटम नंबर का कंसेप्ट वहां पे आ जाता है जहां पे हम पेयरिंग फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। हमने पहले बताया हुआ है कि न्यूक्लियस के अंदर जो लोअर शेल्स होते हैं, जो अदर देन दी वैलेंस शेल है, उसमें सारे के सारे न्यूक्लियन पेयर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। भाई पेयरिंग क्यों होगी, पहला क्वेश्चन। पेयरिंग इसलिए होती है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होती है वो मिनिमम हो जाती है, इसकी वजह से हमारे पास पेयरिंग फोर्सेज एग्जिस्ट करती है जो न्यूक्लियंस को पेयर करने की कोशिश करेगी, सो आपकी एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी। So seniority quantum number has its basis in the pairing effect of the nucleus. It is because nuclear-nuclear forces energetically favor the formation of the pair of identical nucleus with zero angular momentum. मतलब जो pairing forces होती हैं वो nucleon को couple करने की कोशिश करती हैं. So that one is pointing upward, second one is pointing downward, and total magnetic moment भी zero, total angular momentum भी zero. So ultimately उनको मिनिमम एनर्जेटिकली फेवर्ड स्टेट बनाने की कोशिश करती है। तब मेनी न्यूक्लियर वेव फंक्शन हैविंग द पेयर्ड स्ट्रक्चर एंड एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन अंडर द एक्सचेंज ऑफ टू न्यूक्लियर कैन बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर सीनियोरिटी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम वेव फंक्शन को सीनियोरिटी के बेस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दी सीनियोरिटी टर्मिनोलॉजी टू आइडेंटिकल न्यूक्लियस कपल्ड टू नॉन जीरो एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स आर कपल्ड एज अनपेयर्ड। तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपके पास क्या है बेटा,
आपके पास अगर दो न्यूक्लियन है, दो न्यूक्लियन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होंगे, अगर दोनों न्यूक्लियन जी नाइन हब में बैठे हुए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है बेटा, एक का क्वांटम नंबर हो सकता है जी नाइन हाफ, दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ सकता है, सेवन हाफ भी आ सकता है, फाइव हाफ, थ्री हाफ, टू वन हाफ, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे आपकी स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है जी। एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास टोटल एंगल मोमेंटम स्टेट जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर सेवन हाफ फाइव हाफ से कपल कर गया तो टोटल एंगल मोमेंटम क्या आ जाएगा, सिक्स एच क्रॉस के बराबर आ जाएगा। तो ऐसा कंसेप्ट है। Thus, energetically most favored ground state wave function of the even number of the protons and neutrons will consist of a half pairs of the synodic quantum number zero. तो अगर आपके पास सारे के सारे न्यूक्लियन पेयर्ड होंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा न्यूक्लियस में, आपके पास ग्राउंड स्टेट क्या रहेगी, जीरो प्लस। तो आपके पास सीनियोरिटी क्या रहेगी बेटा, जीरो स्टेट की सीनियोरिटी रह जाएगी। अगर आपके पास एक पेयर ब्रेक हो जाता है, जैसे आपके पास 10 पेयर है, 10 में से अगर एक पेयर ब्रेक हो जाता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो पेयरिंग फोर्सेज है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम उसको बोलेंगे कि ये वाला सिस्टम जो है वो सीनियोरिटी एस इज इक्वल टू टू को रिप्रेजेंट करता है। एंड वो जो अगर पेयर ब्रेक करेगा वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, उसकी वजह से जो हमारी न्यूक्लियस की एनर्जी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सीनियोरिटी जीरो। तो सीनियोरिटी जीरो उसके ऊपर कौन सा लेवल आएगा, सीनियोरिटी टू। उसके ऊपर अगर हम एक और पेयर ब्रेक कर देते हैं तो उसके ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, एस इज इक्वल टू फोर। एक और पेयर ब्रेक कर दिया, एस इज इक्वल टू सिक्स, उसके बाद एक्स इज इक्वल टू एट, एंड ऐसे ही चलता जाएगा। तो जैसे जैसे आप पेयर ब्रेक करते जाएंगे वैसे ही आपकी सीनियोरिटी बढ़ती जाएगी एंड आपकी एक्साइटेड स्टेट आती जाएगी। सो जीरो टू फोर सिक्स एंड सो ऑन आपके पास सीनियोरिटी लेवल्स एग्जिस्ट करेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस। सो सिमिलरली अगर आपके पास ऑड न्यूक्लियस है जिसमें आपके पास वैलेंस न्यूक्लियन भी है, उसमें कौन कौन से लेवल एग्जिस्ट करेंगे, एस इज इक्वल टू वन, एस इज इक्वल टू थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, उसमें ऑड सीनियोरिटी एग्जिस्ट करेगी बिकॉज आपके पास एक अनपेयर्ड वैलेंस न्यूक्लियन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो वन से स्टार्ट होगा रादर देन जीरो, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, थ्री, फाइव, सेवन एंड सो ऑन एट प्लस वन के तक आपके पास सीनियोरिटी यहाँ पे रहेगी ही रहेगी, ठीक है बेटा। तो इसके बाद छोटा एक और टॉपिक रहता है कॉन्फ़िगरेशन मिक्सिंग का, ये मैंने बेटा आपको ऑलरेडी समझा दिया है, आप इसमें से पढ़ के देख लेना ये वाला पार्ट जो कॉन्फ़िगरेशन मिक्सिंग वाला है। कॉन्फ़िगरेशन मिक्सिंग क्या है बेटा, मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे हाइड्रोजन के केस में 2s एंड 2p की एनर्जी दोनों की सेम होती है, उसको डीजनरेट जरूर बोला जाता है, लेकिन अगर हाइपर फाइन सेपरेटिंग करके देखेंगे तो दोनों की एनर्जी सेपरेटिंग आपको दिख जाएगी 2s एंड 2p की। तो अगर आप सिंपल हाइड्रोजन एटम कंसिडर करें तो वहां पे क्या आएगा, 2s स्टेट प्लस 2p स्टेट का अगर सम करेंगे तो टोटल वेव फंक्शन बनेगा फॉर दी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने हाइपर फाइन सेपरेटिंग कर दी तो दोनों लेवल डिफरेंट हो जाएंगे, तो इसलिए अगर डीजनरेट स्टेट है तो उसके लिए आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगी वो मिक्स रहेगी, इट विल बी हैविंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 2s एज वेल एज 2p। तो सिमिलरली एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल में मैंने बता दिया, अगर न्यूक्लियन जो जी नाइन हाफ में बैठा हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जी नाइन हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग उसमें अगर 10 न्यूक्लियन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेरियस ऑर्बिटल बनेंगी, अगर उसके पास 10 न्यूक्लियन है तो 10 न्यूक्लियन के लिए उसके पास 5 ऑर्बिटल एटलीस्ट रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं, अगर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग देखेंगे उसमें आपके पास डिफरेंस दिखेगा आपको, लेकिन अगर एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल है टोटल एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल टू 9 हाफ ही लिखा है तो वहां पे आपके पास क्या रहेगा, एक सिंगल लेवल होगा, इसमें 7 हाफ का न्यूक्लियन भी होगा, 3 हाफ का भी होगा, 1 हाफ का एंड अदर्स भी होंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिक्स हो जाएगी, दैट विल बी मिक्स्ड स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेरियस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑन द स्क्रीन लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद जो इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल है बेटा वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए बेटा। तो छोटे छोटे बेटा टॉपिक है ये सारे, छोटे छोटे पोर्शन है, सिंगल पार्टिकल मॉडल हो गया, कॉन्फ़िगरेशन मिक्सिंग हो गया, सीनियोरिटी क्वांटम नंबर, आइसोटोपिक क्वांटम नंबर या उसके रिगार्डिंग आपके पास एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल हो गया, ये छोटे छोटे टॉपिक है जो आपको 3 मार्क्स में आ सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें डिटेल्स नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसमें से आपको इतना ही पोर्शन आएगा मोस्टली। सो अदर एनी अदर डाउट्स एनी क्वेश्चन बेटा, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपने रॉय एंड निगम की बुक से आर्टिकल देखने हैं बेटा तो वो वाले आर्टिकल मेरे जो है यूट्यूब पे चैनल में पड़े हुए हैं, जो प्रीवियस वाले जहाँ पे मैं पहले पढ़ाता था वहां पे मैंने रॉय एंड निगम से बुक से स्टार्ट किया था, तो वो वाला पोर्शन आप वहां से कवर कर सकते हैं अगर आप किसी को इंटरेस्ट है, अदरवाइज दीज नोट्स आर सफिशेंट।
ठीक है, सफिशियंट नोट्स हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं अगर हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा देखना है, रॉयल निगम की बुक देखनी है या एमके पॉल की बुक देखनी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट वगैरह नहीं है बेटा, सी यू नेक्स्ट टाइम।